न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कहते हैं समय के साथ बदलाव जरूरी है और इसी को ध्यान में रखकर आपका अपना प्रॉपर्टी मंत्रा अब आपको नए रूप में नजर आएगा। जी हां, प्रॉपर्टी मंत्रा के माध्यम से हम ना सिर्फ कई अहम मामलों का पर्दाफाश करेंगे जैसा कि पहले भी करते आ रहे हैं, वही अब कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रॉपर्टी में निवेश कैसे करें, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदें, कब खरीदें, इन सब बातों की उचित जानकारी मुहैया करवाएंगे। साथ ही आपकी प्रॉपर्टी संबंधी शिकायतों का निवारण स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमानों के जरिए करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी मंत्र। के प्रॉपर्टी मंत्रा में हम आपको उन्नति फॉर्च्यून ग्रुप की जानकारी देंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि इस कंपनी के कहां कहां प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उनमें निवेश की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। मंदी से जूझ रहा रियल्टी सेक्टर में क्या इस समय निवेश करना सही है, यह फैसला आपको करना है। लेकिन उन्नति फॉर्च्यून ग्रुप के डायरेक्टर पवन चावला का कहना है कि मंदी के समय सोच समझ कर किया गया निवेश निवेशकों को आने वाले समय में अच्छा मुनाफा दिला सकता है। कैसे, आइए उन्हीं की जुबानी समझने की कोशिश करते हैं। और साथियों, इस पर आज हमारे साथ है उन्नति फॉर्च्यून ग्रुप के डायरेक्टर पवन चावला जी। पवन चावला जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उन्नति फॉर्च्यून के तमिल प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? हमारे अभी प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है गाजियाबाद में है, नोएडा एक्सटेंशन में है, नोएडा के अंदर है और नोएडा एक्सप्रेस वे पे। जी, माना जा रहा है कि इस समय का जो दौर है, जो मौजूदा दौर है, वो जो रियल सेक्टर में है वो मंदी का दौर है। क्या लगता है कि वाकई मंदी का दौर? मैं मंदी के दौर की बजाय या रिसेशन की बजाय को ये कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए राइट टाइम है। इस टाइम इन्वेस्टर को, एंड यूजर को काफी अच्छी लुक्रेटिव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ये उसके लिए राइट टाइम है कि वो जो भी उसका ड्रीम हाउस है या ड्रीम इन्वेस्टमेंट है उसको फुलफिल कर सके। पवन चावला जी, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप लोगों के, पूरे यूपी में चल रहे हैं, यूपी के अलावा और भी कई जगह आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी। लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे दूसरे बिल्डरों के, हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, सभी बिल्डरों की हम कॉमनली बात कर रहे हैं कि लगातार देरी की बातें सामने आ रही है, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। माना जा रहा है कि रियलिटी सेक्टर जो है वो घाटे का सौदा होता जा रहा है। क्या लगता है, क्या वाकई घाटे का सौदा होता जा रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर दूर भाग रहा है और प्रोजेक्ट जो है वो धीरे 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 डिले होते जा रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर से इन्वेस्टर दूर होता जा रहा है। हाँ, मैं इस चीज को जरूर एक्सेप्ट करूंगा कि कुछ डेवलपर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीजन डिले हो रहे हैं या बीच में नोएडा एक्सटेंशन का जो मैटर था वो उसके करके उन लोगों को डिले हुई। बट अब आई थिंक ये सब चीजें स्मूथ हो चुकी हैं और अब ये सब आगे फ्यूचर के अंदर ये ठीक जा रहा है। पवन चावला जी, एक सवाल मैं आपसे राजनीति से जुड़ा हुआ मैं करना चाह रहा था कि माना ये जाता है कि जब सरकार नहीं आती है, पहली सरकार के समय में प्रोजेक्ट की स्पीड रफ्तार कुछ और होती है, जब दूसरी सरकार आती है तो जो रियल सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं या तो उनमें बहुत तेजी आ जाती है या स्लो हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई गवर्नमेंट चेंज होने के करके, खासतौर के स्टेट गवर्नमेंट चेंज होने के करके कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कोई मेजर इफेक्ट इससे पड़ता है, क्योंकि हमने लास्ट गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई हमने लैंड खरीदी है, अब हम बना रहे हैं फिर हम डिलीवर कर देंगे, हो सकता है डिलीवरी करते हो नई सरकार हो या सेम सरकार हो, पर इससे हमें कोई रियल एस्टेट से फर्क नहीं पड़ता। चावला जी, ने सरकार का सवाल आपसे इसलिए पूछा था कि ज्यादातर जो बिल्डर हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट के जो प्रपोजल हैं वो उत्तर कहीं ना कहीं फंस गए, तो क्या वास्तव में ऐसा होगा? जो हम जो रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपर जो आरोप हम लोग लगाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग डिमांड करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरीके से हम लोगों को रिक्वायर्ड है आपकी सपोर्ट। जैसे हम चाहते हैं होम लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, राइट, इस टाइप्स की हमारी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड्स है। जो मौजूदा जो समय है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सही है या अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि भाई थोड़ा सा समय निकल जाए तो उसके बाद देखेंगे?
इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम है ये। इस टाइम जो क्लाइंट्स हैं, एंड यूजर हैं, जिसको घर खरीदना है या जिसको कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, रहने के लिए घर लेना है, कोई अपना ड्रीम पूरा करना है, सपना पूरा करना है, उन लोगों के लिए इस टाइम मार्केट में ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है, तो ये उनके लिए राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये हमारे साथ उन्नति फॉर्च्यून ग्रुप के डायरेक्टर पवन चावला जी जो बता रहे थे कि बेशक मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन तो है लेकिन उसका असर इन्वेस्टर की सेहत पे कतई नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा सा देखभाल के आपको प्रॉपर्टी जरूर खरीदनी चाहिए। रविंद्र कुमार गौतम, साधना न्यूज। समझना होगा क्योंकि आपका फायदा हो, यही हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए हमने ये इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उद्देश्य की पूर्ति हो रही और एक नए फ्लेवर में हम अगली बार हासिल होंगे।